चीनी एयरफोर्स भारत से सटे समूचे बॉर्डर पर हवाई किलेबंदी को मजबूत कर रही है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन कैलाश मानसरोवर के पास एक मिसाइल साइट का निर्माण कर रहा है। इसके साथ ही मानसरोवर के पास जमीन से हवा में मार करने वाली सैम मिसाइलों को भी तैनात किया गया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से इस मिसाइल साइट की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है। ऐसी स्थिति में अगर चीन यहां से भारतीय सीमा में मिसाइल हमला करना चाहे तो उसे कुछ सेकंड का ही समय लगेगा। ऐसे में कैलाश मानसरोवर की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से सीमा पर तनाव और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, और यह कहावत चीन पर 400 फीसदी सटीक बैठती है। पिछले 4 महीने से चीन कभी हिमाकत करता है तो कभी बैकफुट पर चला जाता है। सीमा विवाद पर कभी भारत को धमकी देता है तो कभी शांति के कबूतर उड़ाना चाहता है। सच ये है कि चीन बातें तो विश्वास करने की करता है लेकिन काम विश्वासघात वाला करता है। खुद देखें आप। चीन का इतिहास बताता है कि वो पीछे हटता है और फिर पीठ पर वार करता है, और इस बार भी वो यही कर रहा है। पिछले 4 महीने से एलएसी पर चीन इसी छद्म नीति को अपनाए हुए है। तारीख 5 मई 2020, जगह पेंगोंग लेक, पूर्वी लद्दाख। लद्दाख में चीन की मौजूदा साजिश का पता मई के पहले हफ्ते में चला, जब गश्त के दौरान हमारे जवानों ने पेंगोंग लेक के किनारे चीनी फौजियों का जमावड़ा देखा। उन्हें वापस लौटने को कहा लेकिन वो नहीं माने। रात भर टकराव के हालात बने रहे और सुबह तड़के झड़प भी हुई। अफसरों के दखल के बाद झड़प रुकी। 5 मई को चीन ने पूर्वी लद्दाख में हिमाकत की तो चंद रोज बाद 9 मई को सिक्किम के नाकुला में टकराव हुआ, और 9 मई को ही लद्दाख में एलएसी पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे, जिसके जवाब में भारत ने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा भेजकर चीन को सख्त संदेश दिया। जिस तरह से चीनी आक्रामकता दिखाने लगे थे उससे सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया था कि चीन का मकसद एलएसी पर कुछ बड़ा करने का है। मई तक चीन ने एलएसी पर 5,000 सैनिक तैनात कर दिए थे। जवाब में हमारे भी उतने ही जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। चीन ने एलएसी के पास टैंक पहुंचाने शुरू कर दिए तो हमारी फौज ने भी टैंक और तोपें तैनात कर दी। चीन की चालबाजियों पर नजर रखने के लिए अपाचे, चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी लगा दिए गए। मई के दूसरे हफ्ते में एयरफोर्स के C-130J, C-17, IL-76, AN-32 जैसे विमान भी मिशन में जुट गए। टैंक, तोपें और गोला बारूद पहुंचाया जाने लगा। चीन को समझ आने लगा था कि इस बार उसकी चतुराई भारी पड़ने वाली है, इसलिए उसने पीठ पर छुरा घोंपने का प्लान बनाया। 6 जून को कोर कमांडर लेवल की बैठक में चीन एलएसी पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति बनाने और सैनिक पीछे हटाने को तैयार हुआ, लेकिन 15 जून को गलवान में धोखा दे दिया, जहां देश के 20 सपूतों ने गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाकर वीर गति पाई। चीन के दर्जनों फौजियों की कब्र खोद दी, जिससे चीन हिल गया लेकिन फरेबी फितरत से बाज नहीं आया। 22 जून को कोर कमांडर लेवल की फिर बैठक हुई। चीन चरणबद्ध तरीके से सैनिक हटाने को तैयार हुआ लेकिन 30 जून तक एलएसी पर 20,000 और सैनिक तैनात कर दिए। भारत ने लगातार कोशिश जारी रखी कि चीन के साथ मसला बातचीत से हल हो जाए। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर दोनों देशों के बीच 15 से ज्यादा बैठकें हुई लेकिन चीन के धोखे और चालबाजी वाली फितरत के चलते कोई नतीजा नहीं निकला। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।